और चंद्रयान 3 की सफलता के लिए राजनेता भी मंदिर में पहुंचकर प्रार्थना करते नजर आए। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता आनंद दुबे ने भी चंद्रयान 3 की सफलता के लिए मंदिर में हवन पूजन किया। लैंडर विक्रम की चांद पर सफल लैंडिंग की दुआ मांगी। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विश्वास जताया कि भारत का तिरंगा अब चांद पर भी लहराएगा। भारत नई ऊंचाइयां तो छू ही रहा है। भारत का तिरंगा केवल देश के अंदर नहीं लेकिन विश्व पटल पर अब हमारी यही कोशिश है कि वो तिरंगा चांद पे भी गाड़ के रखा जाए। तो सारे विशेषज्ञों को, सारे वैज्ञानिकों को और हमारे प्रधानमंत्री जी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी प्रधानमंत्री और देश के वैज्ञानिकों को चंद्रयान 3 के लिए शुभकामनाएं दी। मैं भारतवर्ष के सभी अपने नागरिकों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े, चंद्रयान से जुड़े सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाइयां, अभिनंदन। माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में देश तेजी के साथ हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। और चंद्रयान 3 की सफलता के लिए सभी देशवासी प्रार्थना कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भी चंद्रयान की सफलता के लिए दुआ मांगी। भारत चांद पर इतिहास रचने के बेहद करीब है। अगले कुछ घंटों में चंद्रयान 3 चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने जा रहा है। मिशन की सफलता के लिए संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भी दुआ मांगी और अब्दुल कलाम आजाद को इस मिशन का क्रेडिट दिया। इस देश को तो ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हिंदू मुसलमान सारे लोगों का हाथ है। इसमें हिंदुस्तान के जो भी रहने वाले हैं वो सब चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े। और इस देश में जो अब्दुल कलाम आजाद राष्ट्रपति रहे इस देश के, वो भी हिंदुस्तान के माने जाने बहुत बड़े साइंसदान थे। ये सारा तुफैल जो है वो अब्दुल कलाम आज़ाद का है। अगर तरक्की होती है तो सारे मुल्क का इससे भला होगा और देश का सर भी ऊंचा होगा। साथ ही उन्होंने देश के नौजवानों से बढ़ चढ़ कर विज्ञान के क्षेत्र में जाने की अपील की। नौजवान पढ़ें लिखें आगे बढ़ें और साइंस अच्छे साइंसदान बनें।